हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता, आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र तथा परावैद्युत, यानी कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं संधारित्र को। आइए शुरुआत करते हैं संधारित्र में। संधारित्र में सबसे पहले आपको जो जानना है वो है वैद्युत धारिता। तो कोई भी चालक है, उसकी वैद्युत धारिता जानना। वैद्युत धारिता का सीधा सा अर्थ है उस चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता। कोई चालक जितना अधिक आवेश संग्रहण करेगा उसी की धारिता अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने किसी चालक को आवेश दिया तो आवेश देने से होता क्या? आवेश देने से उसका जो विभव है वो बढ़ता चला जाता है। चालक जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विभव। इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा। कैसे होगा ये जानते, सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का सीधा सा मतलब क्या है? वैद्युत धारिता का मतलब है चालक के द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता। ओके, चालक द्वारा आवेश संग्रहण करने की क्षमता, इसी को कहा गया है वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता किसकी होगी? किसी चालक की होगी। नाउ, अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने से क्या होता है? उसका विभव बढ़ जाता है। इसका मतलब सिंपली क्या कह रहे हैं कि जो आवेश वो समानुपाती आएगा किसके? विभव के। अगर आपने चालक को जो आवेश दिया है वो क्यू है और क्यू आवेश देने से उसका विभव भी हो जाता है, तो क्या कह सकते हैं कि जो क्यू होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, समानुपाती हो जाएगा वी के। अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट लिखा जाता है, उस कांस्टेंट को यहाँ पर हम सी से लिख रहे हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू वी। यहाँ पर जो आपने सी एक नियतांक लिखा है, समानुपातिक नियतांक, इस सी का नाम रखा गया है धारिता। सी को ही क्या कहते हैं? धारिता। यहां से सी का फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहो तो यहां से सी निकल आएगा कितना? क्यू अपॉन वी। ओके, याद रखिए इस सूत्र को। नाउ बात करें वैद्युत धारिता का मात्रक और इसकी विमीय सूत्र यानी विमाएं क्या होंगी। तो देखो, यहां पर देख सकते हो सी किसके इक्वल है? क्यू अपॉन वी के। तो अगर आपको यहाँ पर धारिता का मात्रक लिखना है, यानी कि आपको लिखना है सी का मात्रक, तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है यहां पर? क्यू है, तो क्यू का मात्रक। और नीचे नीचे दिख रहा है क्या है यहां पर? वी है, तो वी का मात्रक हो जाएगा, वी का मात्रक। नो, देखो क्यू का मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, कूलाम। और नीचे जो वी है, वी विभव है, विभव का मात्रक विभव को किसमें नापते हैं? वोल्ट में, वोल्ट। तो ये इसका मात्रक क्या बन गया? कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम, जो कूलाम प्रति वोल्ट है, इसको एसआई में एक नया नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं फैराड। फैराड, फैराड, फैराड इसका मात्रक हो गया किसका? वैद्युत धारिता का। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसका अगर विमा लिखना है कि विमीय सूत्र इसका क्या होगा, तो सी का विमीय सूत्र या सी की विमा अगर आपको लिखना है तो सी की विमा लिखने के लिए क्या करिए? ऊपर क्या है? क्यू, यहाँ पर क्यू की विमा लगा दीजिए, नीचे वी यानी विभव की विमा। क्यू आवेश इक्वल टू आई टी होता है, आई का डायमेंशन ए और टी का हो जाएगा कैपिटल टी, यानी कि डायमेंशन अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो गया ए टी, नीचे वी, तो वी अगर आप इसका लिखोगे वी को तो क्या हो जाएगा? तो वी के लिए आपको पहले फॉर्मूला याद आना चाहिए कि वी क्या होता था। वी अपने पास होता था डब्ल्यू बाई क्यू, ये तो होता था। अब देखो W इसका तो विमा था एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, और Q Q का क्या होता है? ए टी। तो इसको अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एम एल स्क्वायर T
टी पावर देखो माइनस टू एक और जाएगा माइनस थ्री, और ए ऊपर जाएगा ए पावर माइनस वन, तो वी का विमा आ गया। तो यहां पर इस वी का जो ये डायमेंशन निकल कर है इसको यहां पर रख लेते हैं, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन, सबको एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा, देखो ये जो m है ऊपर जाएगा तो m पावर माइनस वन हो जाएगा, l स्क्वायर है ऊपर जाएगा l पावर माइनस टू, इसके बाद देखो t यहां पर माइनस थ्री है ऊपर जाएगा प्लस थ्री, और ऊपर एक t और भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये t पावर फोर, और यहाँ a पावर माइनस वन है ऊपर जाएगा तो a हो जाएगा, और एक a यहां पर यानी a स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी चालक की धारिता का जो विमीय सूत्र है कितना है m पावर माइनस वन एल स्क्वायर टी पावर फोर, सॉरी एल स्क्वायर नहीं एल पावर माइनस टू टी पावर फोर एंड ए स्क्वायर। ओके एक बात और यहां पर ध्यान रखना, देखिए चालक की जो धारिता है यहां दिख रहा फॉर्मूला की क्यू है वी है, लेकिन इसकी खासियत यह है ये ना तो क्यू पर निर्भर करता है ना वी पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आपने घनत्व पढ़ा, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन घनत्व की खासियत क्या है ना वो तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना ही आयतन पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से ये जो यहाँ पर धारिता है, धारिता एक गुण है, और ये जो गुण है ये ना तो क्यू पर निर्भर करता है ना ही वी पर निर्भर। ओके तो यहां पर याद रखना नोट के रूप में, जो धारिता है, धारिता क्यू व वी पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, तब फिर करता किस पर निर्भर है, ये निर्भर करेगा चालक पर, चालक के पदार्थ पर, ठीक है, चालक के आकार पर, उस पर निर्भर करेगा, लेकिन ना क्यू पर निर्भर करेगा और ना ही वी। वी क्या है यहां पर विभव, ना आवेश पर निर्भर करेगा ना विभव पर, हाँ चालक के आकार पर निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अपने पास अगर एक ये हमने कंडक्टर दिखा लिया कि एक आइसोलेटेड ये कंडक्टर, अब इसकी आपको धारिता निकालनी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये इसका है सेंटर ओ, और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, कोई भी मान सकते रेडियस। इसके बाद इसको हमने आवेश क्यू दिया, तो ये आवेश क्या करेगा इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक चालक, हमने इसको मान लीजिए आवेश क्यू दे दिया, इस तरह से वितरित हो गया जब हमने क्या किया इसको आवेश दे दिया क्यू। Now, अब देखो यहां पर जब आपने आवेश दिया है तो इसमें क्या डेवलप हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर आप खींचोगे तो प्लस आवेश है तो ये प्लस से बाहर की ओर दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बाहर की ओर पृष्ठ के लंबवत ऐसे, लेकिन ये ऐसा लगेगा ना कि ये केंद्र से होकर जा रहे हैं, उनको आप अगर बढ़ाओगे तो ये क्या लगना चाहिए केंद्र से होकर जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा आप कहना चाहते हैं कि ये ऐसा फील होगा कि ये जो चार्ज है ये कहाँ कंसंट्रेट है केंद्र पर, इसके इस तरह से और भी आप दिखा सकते हो इसका डायरेक्शन ऐसे, ये नहीं है ये वाला पार्ट, ये बन गया जैसा कि आपने समविभव पृष्ठ में पढ़ा। अच्छा आप देखो इस चालक के पृष्ठ पर, यहां पृष्ठ पर अगर आप विभव निकालना चाहें वैसे इस पूरे पृष्ठ पर विभव एक समान रहेगा, क्योंकि ये कैसा बन जाएगा एक समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ है इसका विभव कितना हो जाएगा, तो माना आर त्रिज्या के गोलीय चालक को Q आवेश दिया जाता है,
तो इस केस में चालक पर विभोग, चालक पर विभव, इसके पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव एक समान रहेगा, ये विभव हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q अपॉन r। पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस। नाउ अब आपको क्या करना है, इसकी धारिता निकालनी है। तो चालक की धारिता, चालक की धारिता c इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे विभव। अब यहां पर क्या करो, वैल्यू रख लो, तो c इक्वल टू q अपॉन v, अपने पास क्या है 1/4 pi epsilon naught q बाई r। यहां से q और q कैंसिल हो जाएगा तो c निकल कर कितना आ जाएगा, ये पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा 4 pi epsilon naught r। ठीक है, ये हमने तब लिया जब निर्वात की बात हो रही। अगर ये जो कोई इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यदि चालक के भीतर पदार्थ का परावैद्युतांक के हो, परावैद्युतांक के हो, तब जो आपकी धारिता बनेगी यहां पर के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 pi epsilon naught के इंटू आर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो धारिता है वो डायरेक्टली समानुपाती दिख रही है किसके, त्रिज्या के, और धारिता निर्भर कर रही है परावैद्युतांक। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो धारिता है इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर के समानुपाती, मतलब जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतने ज्यादा उसका धारिता होगा। तो अगर हमें किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसका आकार को बड़ा कर दो या फिर उसके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दो। तो ये मॉडिफिकेशन का तरीका जिससे हम धारिता बढ़ा सकते हैं। देखो अब आप इसका कितना भी आकार बड़ा ले लो, बहुत बड़ा आकार ले लोगे तो उसको लगाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ लगा के फिर आगे हम इसको संधारित्र में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले एक बात और याद रखना है, यहाँ पर हमने अभी बताया कि जो चालक होता है उसकी धारिता, धारिता का मात्रक यहाँ पर हमने क्या बताया था, धारिता का मात्रक बताया था फैरड। तो फैरड जो होता है ये बहुत बड़ा मात्रक है, फैरड क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसलिए आपको जब क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर देखो वो फैरड नहीं दिखेगा, इसके छोटे मात्रक दिखेंगे। तो जो छोटे मात्रक इसके होते हैं वो छोटे मात्रक होंगे कौन कौन से, जैसे आपके पास दिखेगा माइक्रो फैरड, जैसे 1 माइक्रो फैरड लिखा है, इसका मतलब 10^-6 फैरड हो जाएगा। इसी तरह से नैनो फैरड दिखेगा, नैनो फैरड का मतलब हो जाएगा 10^-9 फैरड। तो ये छोटे छोटे मात्रक दिखेंगे, बड़े मात्रक आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि फैरड क्या है, बहुत बड़ा मात्रक। ओके, पिको फैरड दिखेगा तो पिको, या आप निकालोगे आगे 10^-12। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने चालक की धारिता पढ़ ली, चालक की धारिता अपने पास कितनी आ गई, c इक्वल टू 4 pi epsilon naught r। ठीक है, और इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदे इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। हालांकि सवाल को और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम धारिता के ऊपर इसको करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल ने क्या कहा, सवाल ने कहा कि जो पारा है उसकी 8 बूंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बूंदे हैं, और इन सबको मिला करके एक बड़ी बूंद आपने बना दी। जब बड़ी बूंद बना दिया तो इस केस में अगर मान लीजिए कि ये जो छोटी वाली बूंदे थी इसकी एक एक की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो एक बात नहीं बदलेगी, वो क्या है, आयतन। जो इन 8 बूंदों का आयतन था, ये पूरा आयतन इस बड़ी वाली बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पर
मान लें यदि छोटी बूंद का आयतन स्मॉल आर व बड़ी बूंद का आयतन कैपिटल आर हो, कैपिटल आर हो, तो देखो आठ छोटी बूंद का आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद का आयतन, आठ छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। नाउ देखो आठ छोटी बूंद का आयतन, बूंद गोलाकार होती है तो गोलाकार है, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन का फॉर्मूला आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। फिर एक बड़ी बूंद है, इसका आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यहां से 4/3 पाई है तो यहां से हटा दीजिए, तो आपको कैपिटल आर निकालना है, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यहां पर क्यूब है तो इसका घनमूल लोगे 8 का घनमूल 2 और ये आर हो जाएगा, तो अपने पास कैपिटल आर किसके बराबर आ गया, 2R के बराबर आ गया। नाउ धारिता, इसकी धारिता निकालिए, तो धारिता देखो C इक्वल टू क्या होता, धारिता होता C इक्वल टू 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये बड़ी बूंद की धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल R अपने पास किसके बराबर है, 2R के, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल, इस तरह से क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R, ये निकल कर आ गया C। अच्छा अब आगे देखें, विभव निकाला जाए, अगर आप छोटी बूंद का विभव निकालो तो छोटी बूंद का विभव कितना हो जाएगा, छोटी बूंद का विभव, अगर छोटी बूंद का विभव निकालोगे तो V स्मॉल ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught आवेश, अब इस पर आवेश कितना था इसको भी हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तो आवेश का तो हमें पता नहीं कुछ, अच्छा लेकिन यहां कुछ तो पता है, आवेश का नहीं पता लेकिन कुछ तो पता है, यहां पर प्रत्येक पर 5 volt का विभव भी दिया, तो यहां पर अभी तो आप इतना ही लिख लीजिए Q/R, और यहां पर देखो V का मान दे रखा 5 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q/R ये हो जाएगा। स्मॉल आर यहां से आप निकाल सकते, स्मॉल आर यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा, या स्मॉल आर मत निकालिए आप, यहां से क्यू निकाल सकते, क्यू कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 pi epsilon naught small r into 5। अच्छा ये छोटी बूंद पर क्या आ गया, आवेश आ गया, अच्छा ये तो आ गया अपने पास, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, क्योंकि 8 बूंद मिल करके गई हैं, इसलिए बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू, 8 बूंदें मिली हैं तो इसलिए 8 × small Q हो जाएगा। अच्छा अब देखो अपने पास विभव निकालना है बड़ी बूंद का, तो बड़ी बूंद का विभव, अगर आप बड़ी बूंद का विभव निकालना चाहो बी कितना हो जाएगा, तो अपने पास फार्मूला देखो क्या होता था, जो फार्मूला अपने पास था, फार्मूला था क्यू इक्वल टू सी इंटू बी, या कैपिटल क्यू है, तो यहां से बी क्या हो जाएगा Q/C, तो ये हो जाएगा Q/C, वैल्यू रख लीजिए क्यू अपने पास 8 × small Q हो गया, और नीचे C अपने पास आया है 8 pi epsilon naught small r, स्मॉल Q की वैल्यू कितना है 8 pi epsilon naught r, तो यहां पर
एट इंटू एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई है, यहां पर ध्यान दे, क्यू क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई, तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई हो जाएगा, और नीचे है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो जो कटे काट दीजिए, 8 से 8 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये भी कट गया, तो वी बचा कितना, तो देखो यहां पर बचा है 5 और यहां पर बचा 4 पाई, 4 जा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वोल्ट। तो अब देख सकते हैं इसका आंसर कितना आ चुका है, 20 वोल्ट। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास छोटी बूंद है और बड़ी बूंद है, छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाते हो तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा कि 8 छोटी बूंद का आयतन 1 बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है। इसका करने का सिर्फ एक उद्देश्य, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन, जब कैपिटल आर स्मॉल आर में रिलेशन बन जाता है इसके बाद क्या करते हैं, धारिता, बड़ी बूंद की धारिता सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, कैपिटल आर 2 आर के बराबर, तो इस तरह से सी इक्वल टू आ गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ इसके बाद क्या किया, सी निकालने के बाद हमने छोटी बूंद का विभव निकाल लिया, छोटी बूंद का विभव क्या बनेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का विभव दिया था इसलिए बी के प्लेस पर 5 रख लीजिए, और इससे आप क्यू निकाल लीजिए जो कि हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई। अब बड़ी बूंद पर आवेश, देखो 8 बूंदे मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई है इसलिए 8 गुना हो जाएगा यानी 8 क्यू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करो, बड़ी बूंद का विभव आप निकालते हो तो बड़ी बूंद का विभव क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, फिर क्यू की वैल्यू रख लो, क्यू कितना है 8 क्यू के बराबर है, इसके बाद नीचे सी, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपको रखना है किसकी, बड़े बूंद के लिए, तो बड़े बूंद के लिए तो सी आपके पास आया कितना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, वो रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, स्मॉल क्यू की वैल्यू रखना है, स्मॉल क्यू कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1, वो रख दीजिए ऊपर नीचे जो काट दीजिए कटे, और भी आपके पास कितना आ जाएगा इस तरह से 20 वोल्ट, यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे के टॉपिक पर। नाउ आगे बात करें, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जो चालक है उसको आवेशित करने में यानी उसको आवेश देने में जो आप कार्य करोगे वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी सिंपली आप कह सकते हो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सीधा सा मतलब क्या है, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। कितना कार्य करोगे वही उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि कोई चालक हो, उसको आपने क्यू डैश आवेश दिया, और क्यू डैश आवेश देने से उसमें जो विभव आ गया वो आ गया बी डैश। अच्छा, तब क्या हो जाएगा, माना किसी चालक क्यू डैश आवेश देने पर विभव वी डैश हो जाता है, तब जब आपने इतना किया तो उस केस में
जो बी डैश सेंटीग्रेड हो क्या हो जाएगा, क्यू डैश पाई सी, जहां सी क्या है, सी चालक की धारिता है, सी क्या है धारिता। ओके, अब आपको निकालना है कार्य, तो इस चालक को थोड़ा सा आवेश और दीजिए, पुनः चालक को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। जब डी क्यू आवेश है, आप इसको और देते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू ये होता है विभव इंटू आवेश। वी डैश कितना है यहाँ पर देख सकते हो, क्यू डैश बाई सी, ये हो जाएगा क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू। अब इसको टोटल आवेश आपने क्यू दे दिया, जीरो से क्यू आवेश दे दिया, और इसका जो विभव, हाँ सॉरी, इसमें तब किया गया कार्य अगर डब्लू हो तो इसका क्या कर लीजिए, टोटल कार्य कुल कार्य निकालना है तो इसका क्या कर लीजिए, समाकल। ओके, कुल कार्य इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्यू डैश बाय सी टी। शुरुआत में कोई कार्य नहीं, अंतिम कार्य डब्लू, शुरुआत में कोई आवेश नहीं, अंतिम में आपने मान लीजिए आवेश इसको दे दिया कितना क्यू। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जब करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू होता है, लिमिट है जीरो टू डब्ल्यू। यहां पर क्यू डैश बाय सी ये कॉन्स्टेंट है, डी क्यू, तो जब डी क्यू का यहाँ पर इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर क्यू डैश ये तो क्यू है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे, मिनट, सुविधा के लिए देखो, जब आप ये क्यू डैश जो है इसका इंटीग्रेशन करोगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर बाय टू, और नीचे कितना है सी, और इसकी लिमिट है जीरो टू क्यू। तो क्यू डैश की जगह आप क्यू रखो, तो यहाँ लिमिट रखोगे डब्लू माइनस जीरो यानी डब्लू, और यहां पर आप क्यू रख दोगे क्यू डैश की जगह, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये हो जाएगी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन आपको आता है तो यहाँ पर क्यू ही रख लो जिससे कोई दिक्कत ना हो। नाउ आपने पढ़ा है क्या है, आपने पढ़ा है कि क्यू बराबर होता है सी वी, तो ये अगर आप इसमें रख देते हो तब क्या बनता है, अगर आप ये रखोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, तो एक सी से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो किया गया कार्य ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी किया गया कार्य हो जाएगा। अगेन C इक्वल टू होता है Q बाई वी, C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में V, अगर ये आप रखते हो ये कैपिटल V है ध्यान देना, स्मॉल V नहीं है, तो W कितना बन जाएगा, इस केस में जो W बन जाएगा वो हो जाएगा हाफ C की जगह रख दो Q बाई वी, और साथ में V स्क्वायर, तो इस V से इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो W आ जाएगा हाफ ऑफ Q। तो इस तरह से तीन कार्य अपने पास हो गए। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगा किया गया कार्य के बराबर होता है U, तो U का ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी तीन फार्मूला हो गया, यानी कि एक तो है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एक है हाफ सी बी स्क्वायर, और एक है हाफ क्यू बी, ये तीन फार्मूले इस तरह से स्थितिज ऊर्जा के हो गए। मात्रक इसका जूल होता है, सभी को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पर ले लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि यन समान आवेशित छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए, धारिता विभव आवेश और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा, 2018 का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं,
एकदम 8 गुण वाला जो सवाल किए सेम टू सेम उसी टाइप का है, अगर वहां फेल नहीं है तो यहाँ पर फेल। लीजिए चलिए देखते हैं, कितनी बूंदे हैं? यन बूंदे हैं, ये मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो छोटी बूंद की त्रिज्या आर और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर ले लें, तो उस केस में आपको यहां पर एन छोटी बूंद का आयतन है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू एक बड़ी बूंद का आयतन यानी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ स्मॉल आर छोटी बूंद की त्रिज्या और कैपिटल आर बड़ी बूंद की त्रिज्या, जो कटे उधर काट दो तो 4/3 पाई इधर दोनों साइड कट गया। तो यहां से आप अगर ये आर निकालते हो तो देखो इसका घनमूल लोगे यानी एन पावर 1/3 हो जाएगा और इंटू स्मॉल ये कैपिटल आर आ गया। धारिता, धारिता का अनुपात निकालना है तो धारिता आपने क्या पढ़ा, धारिता सी इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी तो फॉर्मूला ड्राइव किया था ना इससे पहले, तो आप यहां पर एक छोटी बूंद ले लीजिए, छोटी बूंद का ले लेते हैं C1 और बड़ी बूंद का ले लेते हैं C2। तो C1/C2 अगर आप निकालते हो तो क्या करिएगा, C1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर और C2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू जो आपके पास आई है उसको रख लीजिए, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर की जगह है एन पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो सब कट जाएगा और ये बचेगा कितना 1/n पावर 1/3। ओके, अगर आप ये चीज उल्टा करना चाहो कि पहले बड़ी बूंद का लिखें फिर छोटी बूंद, यहां पूछा क्या है, इसने पूछा है बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद, तो यहां पर ध्यान देना हमने बड़ी बूंद C2 को ले लिया है, तो C2/C1 आपको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा n पावर 1/3। ओके, ध्यान देना यहां पर जो हमने C1 लिया है, C1 है छोटी बूंद के लिए, छोटी बूंद की धारिता, और जो C2 हमने लिया है ये क्या है बड़ी बूंद की धारिता। नाउ तो पहला पार्ट तो अपने पास पूरा हुआ, C2/C1 क्या हो गया n पावर 1/3। फिर निकालना है ये विभव का अनुपात, सेकेंड पार्ट, तो विभव का अनुपात निकालना, तो विभव आपके पास क्या होगा, यहाँ पर V2/V1 आपको निकालना है। ध्यान रखना V2 बड़ी बूंद का विभव है और V1 छोटी बूंद का विभव, तो बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटे आर। तो अब विभव निकालने से पहले तो आपको आवेश की आवश्यकता पड़ जाएगी, बिना आवेश के आप कैसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, तो आवेश तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो यहां पर बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर और यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर, ये होगा, तो ये वाला पूरा पार्ट तो कट जाएगा, बचेगा क्या कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर बाई स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू कितना होगा, तो एन बूंदे मिली हैं तो यहां पर एन इंटू स्मॉल क्यू हो जाएगा और ये आर कितना है n पावर 1/3, आर कितना है n पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, तो यहां लिख देते हैं n पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर और यहां पर क्या स्मॉल आर बाई क्यू, ये क्यू क्यू कट गया स्मॉल आर कट गया, तो बचेगा क्या n पावर 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। तो इस तरह से अपने पास क्या मिला कि V2/V1 इक्वल टू आ गया कितना n पावर 2/3। ये विभव का अनुपात आ गया। फिर आवेश का अनुपात निकालना है आपको, तो आवेश का अनुपात थर्ड पार्ट कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू निकालना है, कैपिटल क्यू हो जाएगा एन इंटू स्मॉल क्यू नीचे ये, तो इस तरह से ये एन आ जाएगा, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा निकाल, तो स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा का अनुपात निकालते हैं फोर्थ, तो स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था कितना हो जाएगा वैद्युत स्थिति ऊर्जा,
यहां पर यू टू बाई यू वन निकालते हैं, हाफ क्यू भी आपने पढ़ा यानी हाफ कैपिटल क्यू, और यहां पर वी टू लिखना पड़ेगा, और यहां पर हाफ स्मॉल क्यू इंटू वी वन लिखो, हाफ हाफ हटा दीजिए, तो हाफ हाफ हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये जो क्यू है ये आ चुका है, ये कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, डायरेक्ट निकाल लीजिए, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू हो गया एन, और वी टू बाई वी वन आप यहां देख सकते हो, ये वी टू बाई एन, वी वन क्या है एन पावर टू बाई थ्री, तो टोटल कितना हो जाएगा यू टू बाई यू वन, वन प्लस टू बाई थ्री यानी कि फाइव बाई थ्री, एन पावर फाइव बाई थ्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव आपको निकालना है, तो इस यहां से पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे।